आगे वाली लकीर ये 10 लाख लोगों दियां लाशां दी हिक दे उत्ते जिहड़ी है वह इकरी हुई है। पंजाबियों दियां लाशां सी, हिंदुआं दियां, सिखां दियां लाशां सी, ठा कुट्टी दबी जबानी मुड़ कदे ना आवांगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। इस वार 15 अगस्त को भारत अपनी आजादी की 75वीं वरेगंढ मनाने जा रहे हैं। इस एक दिन पहला 14 अगस्त को पाकिस्तान भी जिहड़ा है वो जश्न आजादी की 75वीं जिहड़ी है वरेगंढ मना रहे हैं। और जश्न आजादी मनाने लई जिथे सरकारां, प्रशासन ते आवाम पब्बां पार है उत्साहत है, उत्थे 15 अगस्त 1947 दौरान सांझे पंजाब दे होए दो टुकड़ियां अते भारत पाकिस्तान दी वंड दी कीमत अपने उजाड़े ते जान माल दे भारी नुकसान दे रूप विच चुकाउण वाले लखां पंजाबियां दी याद किते चेतियां दी गर्दश दे विच गुआची नजर आ रही। अज तो 75 वरे पहला 10 अगस्त 1947 तो लैके 16 अगस्त 1947 तक देश के बटवारे वेले सियासी नेतावां दी फिरका प्रस्त सोच के कारण सांझे पंजाब दे जिथे दो टुकड़े होए उत्थे लखां सिखां ते हिंदुआं नूं फिरका प्रस्ती दी अग दा शिकार होना पिया। हजारां ही नहीं लखां ही धीआं भैणां ने अपनियां इज्जतां बचाउण लई खूहां दरियावां विच छालां मारियां, अपनियां जानां गवाईयां। हरियां भरियां लहलहाउंदियां फसलां, बारां ते घरां घाटां नूं छड्ड के सिखां ते हिंदुआं नूं उजड़ना पिया। पाकिस्तान वाले पासिओं भारत आना पिया ते भारत वाले पासिओं खास तौर पर पंजाबी मुसलमानां नूं पाकिस्तान वाले पासे जाना पिया। मजहब दे जनून दे विच अन्नियां पीड़ां ने अजिहा कोहराम मचाया कि हर पासे लहू ते मिज दियां नदियां जिहड़ियां सी वह तुरियां। 10 लाख दे करीब पंजाबी जिन्हां विच सिख, हिंदू, मुसलमान शामिल सी वो मारे गए। लखां ही औरतां उधाले का शिकार बनिया। बेशक वंड दे उजाड़े का वड्डी गिणती पंजाबी हिंदुआं ते मुसलमानां नूं भारी सेक झलना पिया, पर सिखां नूं अपने प्यारे गुरधामां तों विछड़ना पिया। बहुत सारियां जानां, बहुत सारा जान माल, जमीन जायदादां, घर घाट गवाउणा पिया। जिलम दरिया के चनाब दरिया के बरेते खालसा राज की चढ़त ते सिखां दे दृढ़ता की गवाही भरदियां अटकदियां छल्लां, ननकाने के मिठे खूह का पानी, पंजा साहब की दैवी छो, खालसा राज की साखी भरदा लाहौर का शाही किला, बाग, महल, हवेलियां, घर बार छड़ के बढ़दियां गोलियां, बलदियां अग्गां ते चलदे छरियां तों लुक बच के फौजियां दी हिरासत बंदूकां दी छां हेठ साह कुट्टी दबी जबानी मुड़ कदे ना आवांगे आखदियां सिखां नूं अटारी टप्पणा पिया। जिथे सिखां नूं ननकाणा साहिब, करतारपुर साहिब, पंजा साहिब ते सैकड़े होर जान तों प्यारे गुरधामां तों विछड़ना पिया, उत्थे हिंदू भाईचारे नूं वी कटासराज अते शक्तिपीठ हिंगलाज वर्गे मंदिर ते अनेक होर प्राचीन मंदरां तों वी जिहड़ा है वह दूर होना पिया। अज समय का एक गेड़ अपना चक्कर कट रहा, पौनी सदी बीत चुकी है। इस महादीप की हिक दे उत्ते भारत ते पाकिस्तान दे रूप दे विच दो देशां दीयां कंडियालियां सरहदां अज भी समूह पंजाबियां खास तौर पर सिखां दा सीना पाड़ दीयां। इस वार 15 अगस्त नूं जिथे भारत दे लोक आजादी की 75वीं वरेगंढ मनाउण जा रहे हैं, मैं अपील करदा कि आओ असी उन्हां नूं भी याद करिए जिन्हां ने भारत ते पाकिस्तान दी वंड दी भारी कीमत चुकाउंदिआं अपनियां जानां गवाईयां, अपने घर बार छड्डे, अपने बच्चे जिहड़े है वह छड्ड के आंदे बच्चे अपनियां अखां दे सामने कतल हुंदे वेखे। मैं अपील करदा कि 10 अगस्त तो लैके 16 अगस्त तक दुनिया भर दे विच वसदा सिख भाईचारा अपने उन्हां वडेरियां जिन्हां दे विच बच्चे भी सन, बजुर्ग भी सन, औरतां भी सन, बेरहमी दे नाल जिहड़ियां कतल होईयां उन्हां नूं याद करन दे लई
असी घट्टो घट 10 अगस्त तो लैके 16 अगस्त तक उन्हां लई असी अकाल पुरख के चरणों के अरदास करिए और 10 मिनट मूल मंत्र जपजी साहब का पाठ भजन सिमरन जिहड़ा है वह जरूर करिए। 16 अगस्त को श्री अकाल तख्त साहब से भी 9 बजे इन्हां जाना गवाउण वाले बच्चियां बजुर्गां नौजवानां इस्त्रियां दी लई अरदास जिहड़ी है श्री अकाल तख्त साहब से सुबह 9 बजे जिहड़ी है की जाएगी। मैं वध तो वध संगत नूं 9 बजे श्री अकाल तख्त साहब से 16 अगस्त को की जा रही इस अरदास दे विच शामिल होने का सद्दा देना। 10 अगस्त तो लैके 16 अगस्त तक दुनिया भर के सिख और मैं हिंदुओं भी अपील करदा कि वह भी अपने वडेरियां याद करन दे लई अपने मंदरां दे विच 10 अगस्त तो लैके 16 अगस्त तक जरूर प्रार्थनावां करन। क्यों? क्योंकि ये वाघी वाली लकीर ये 10 लख लोगों दी लाशां की हिक के उत्ते जिहड़ी है वह इकरी हुई है तो वह 10 लख लोगों दी लाशां वह पंजाबियों दी लाशां से हिंदुओं दी सिखां दी लाशां से मुसलमानों दी लाशां से आओ असी उन्हां नूं 75वीं वरेगंढ मौके याद करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह।